Hello everyone, my name is Husna and welcome to my channel, The Tsunami Part 3. Look carefully at the picture of the boy and his dog and try to describe the things that you see using just words and phrases. लड़के और उसके कुत्ते के तस्वीर को ध्यान से देखिए और सिर्फ शब्दों और वाक्यांशों का इस्तेमाल करते हुए जो आप देख रहे हैं की व्याख्या करने की कोशिश करिए। इधर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन राइट डाउन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑन द ब्लैकबोर्ड। या तो टीचर या स्टूडेंट्स में से कोई शब्दों और वाक्यांशों को ब्लैक बोर्ड पर लिख सकता है। कैन राइट डाउन, कैन राइट से लिख सकता है काफी होना चाहिए, लेकिन ये डाउन क्यों लगा है? तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है तब जब किसी खास जगह पर लिखने के लिए कहा जा रहा है, तो ये कहना ज्यादा अच्छा होता है। जैसे कि यहाँ पर कहा जा रहा है ब्लैक बोर्ड पर, तो इसलिए यहाँ पर कैन राइट के साथ डाउन भी लगाया गया है। राइट डाउन का मतलब भी लिखना ही होता है। दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट, इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। काम ब्लू सी रुइंड हर्ट्स, शांत नीला समुद्र उजड़ी हुई झोपड़ियां। बिफोर द जायंट वेब्स स्लैम्ड इनटू द पोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम्ड टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। भारत और श्रीलंका के तट में टकराई हुई विशाल लहरें से पहले जंगली और पालतू जानवरों ऐसा लगा कि जानते थे कि क्या होने वाला था। दे फ्लैड टू सेफ्टी, वो सेफ्टी के लिए भागे। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स एलिफेंट्स screamed and ran for higher ground. चश्मदीद गवाहों के अनुसार हाथी चिंघाड़ा और ऊंची जगह के लिए भागा। Dogs refused to go outdoors. कुत्ते बाहर जाने से इनकार कर दिए। Flamingos abandoned their lone-laying breeding areas. राजहंसों ने अपने निचले प्रजनन एरियाज को छोड़ दिया। And zoo animals rushed into their shelters and could not be enticed to come back out. और चिड़ियाघर के जानवरों ने अपने शेल्टर में चले गए और उन्हें वापस बाहर लाने के लिए लुभाया नहीं जा सका। Many people believe that animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. बहुत से लोगों का मानना है कि जानवर छठा ज्ञान रखते हैं और जानते हैं कि पृथ्वी कब कांपने वाली है, यानी कि कंपन जो होता है पृथ्वी उसे कहते हैं। यहाँ पर शेक उसी के लिए है, हिलने वाली है ये भी कह सकते थे। Some experts believe that animals' more acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration.
कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जानवरों की ज्यादा तीव्र श्रवण पृथ्वी के वाइब्रेशन को सुनने या फील करने में उनकी मदद करता है। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। वो मनुष्यों के महसूस करने की क्या होने वाला है से बहुत पहले महसूस कर सकते हैं या भाव सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। सेंस का बहुत तरीके से यूज होता है, महसूस करना, भावना, ज्ञान रखना, ज्ञान वगैरह कुछ भी। तो वो जान सकते हैं या महसूस कर सकते हैं आने वाली आपदा को। यहाँ जो एन लगा है इसका मतलब एक आने वाली आपदा नहीं बल्कि किसी भी आने वाली आपदा से है। आ या एन सिर्फ हमेशा एक चीज के लिए नहीं होता है बल्कि एक समूह, एक ग्रुप या फिर किसी भी के लिए भी आ या एन यूज होता है। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट। हम इसके लिए श्योर नहीं हो सकते हैं कि एनिमल्स को सिक्स सेंस है या नहीं। सिक्स सेंस मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको जानने की क्षमता। बट द फैक्ट इज दैट द जायंट वेब्स दैट रोल थ्रू द इंडियन ओशन किल्ड मोर देन 150,000 पीपल इन अ डजन कंट्रीज बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड। लेकिन सच है कि विशाल लहरें जो हिंद महासागर से उठी थी ने 1.5 लाख एक दर्जन कंट्री के 1.5 लाख लोगों से ज्यादा को मार डाला था। लेकिन बहुत से जानवरों के मरने की सूचना नहीं मिली। अलोंग इंडियाज कुडलोर कोस्ट वेयर थाउजेंड ऑफ पीपल पेरिस्ट बफेलोज गॉड्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड। भारत की कुडलोर तट पर, अलोंग यहाँ पर के तौर पर यूज किया गया है, जब किसी जगह के बारे में किसी सड़क के साथ में अलोंग लगता है तो उसके साथ ये अलोंग का मतलब पर हो जाता है, यहाँ भी पर है। हालांकि अलोंग ज्यादातर साथ साथ के लिए यूज होता है लेकिन जगह के लिए जब हो रहा है तो फिर पर हुआ इसका मतलब। जहां हजारों लोग मारे गए थे, भैंसे, बकरियां और कुत्ते बिना नुकसान पहुंचे पाए गए थे। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। श्रीलंका का याला नेशनल पार्क हाथी, तेंदुए और चिड़ियों की 130 प्रजातियां समेत कई प्रकार के जानवरों का निवास है। 60 विजिटर्स वर वास्ट अवे फ्रॉम द पटानंगला बीच इनसाइड द पार्क। 60 विजिटर्स यानी पर्यटक ही कहते हैं विजिटर्स को। 60 विजिटर्स पार्क में पटानंगला बीच से बह गए थे, यानी उस जगह से जो लोग वहां पर थे वो लोग बह गए थे वहां से। बट लेकिन नो एनिमल कारकैसेस
were found except for two water buffaloes. पर कोई भी जानवर का लाशें नहीं पाई गई थी। दो भैंसों के अलावा, यानी कि दो ही भैंस के लाशें पाई गई थी और किसी भी भैंस की लाश नहीं पाई गई थी, जबकि इतने सारे शार्क वहां से पीपल बह गए थे। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट पीपल एट याला नेशनल पार्क हैज observed three elephants running away from the Patanangala beach. सुनामी के आने के लगभग एक घंटे पहले याला नेशनल पार्क पर लोगों ने तीन हाथियों को पटानांगला बीच से भागते हुए देखा था। श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गॉल सेड हिज टू डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच। एक श्रीलंका का जेंटलमैन जो गॉल के नजदीक तट पर रहता है, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो अभी भी रहता है। ये बात बहुत पुरानी थोड़ी है, 2004 की तो ये सब घटनाएं हैं। सेट ने कहा, उसके दो कुत्ते उस दिन बीच पर डेली के उनका डेली का दौड़ से जाने के लिए इनकार कर दिए। वुड नॉट का ऐसे तो बहुत से यूजेस हैं, लेकिन वुड नॉट का एक यूज ये भी है कि किसी चीज से एकदम से मना कर देना कि वो चीज वो नहीं करेगा। तो इस तौर पर यहाँ पर यूज किया गया है कि उनके दो कुत्ते डेली का जो रन होता है उनका बीच पर, उससे वो मना कर दिए थे जाने से। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग। वो आम तौर पर एक्साइटेड रहते हैं इस सैर के लिए। आउटिंग, इसको आउटिंग नहीं आउटिंग पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है सैर। ही सेड, उन्होंने कहा, उस आदमी ने, श्रीलंकन जेंटलमैन ने, बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज्ड टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ। पर उस दिन उन्होंने जाने से इनकार कर दिया और संभवतः अपनी लाइफ को बचा लिया। मोस्ट प्रोबेबली मतलब होता है कि ज्यादा संभावना है कि अपनी लाइफ को बचा लिया, यानी उन लोगों ने अपनी लाइफ को बचा, इस बात की ज्यादा संभावना है कि उन्होंने जाने से इनकार इसलिए किया था कि अपनी लाइफ को बचा सके। इस तौर पर यहाँ पर कहा गया इस तरह से कि मोस्ट ज्यादा की संभवतः उन्होंने अपनी लाइफ को बचा लिया। मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज्यादा इसी बात की संभावना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।